गुड आफ्टरनून क्लास, माय सेल्फ एस्केप सिंह। और आज हम लोग आईआईटी टेट क्लास 12th के लिए कैपेसिटर का जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कह रहे कि फर्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी स्टोर इन अ कंडेंसर इज इन द फार्मर, मींस कंडेंसर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फार्म में होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फर्स्ट ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड ऑप्शन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड ऑप्शन था इलेक्ट्रिक एनर्जी और फोर्थ ऑप्शन मैग्नेटिक एनर्जी। तो अभी हम लोग पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 6 times पूछा गया है आईआईटी और नीट में। क्वेश्चन कह रहा है द कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी, देखिएगा द कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी कैपेसिटी C1 एंड C2 कैपेसिटी C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस पैरेलल देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस। ये कह रहे हैं दो कैपेसिटर है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, दो कैपेसिटर हैं C1 एंड C2 और एक किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। हमें फाइंड करना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या होगा, बोलो क्या होगा। ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है C1 प्लस C2, सेकेंड ऑप्शन है 2C1C2 अपान C1 प्लस C2, थर्ड ऑप्शन है C1 प्लस C2 सी ऑप्शन, और जो डी ऑप्शन है वह है C1 प्लस C2। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। जब कैपेसिटर कनेक्टेड होता है पैरेलल में तो क्या होता है C1 प्लस C2। पता नहीं क्यों पूछा गया था ये क्वेश्चन, और ये एक बार टाइम नहीं पूछा गया है, 2001, 2003, 2005, 2007 इतने बार पूछा गया, पता नहीं क्यों। चलिए तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कॉमन पोटेंशियल, टू चार्ज कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है ना। ये पैरेलल का सिंपल बना है, देखिए बहुत सिंपल है बट अच्छे से समझोगे तो। देखिए आपने ये सपोज किया दो कैपेसिटर हैं, ठीक है, एक पे चार्ज C1 है, सॉरी एक पे चार्ज Q1 है, कितना है Q1, और सेकेंड पे चार्ज Q2। फर्स्ट पे कैपेसिटर C1 है, सेकेंड पे कैपेसिटर C2 है, फर्स्ट पे पोटेंशियल V1 है, सेकेंड पे पोटेंशियल V2 है। ऐसे दो कैपेसिटर हैं और पैरेलल में कनेक्टेड है, अभी कनेक्ट नहीं है, रखे हुए हैं। कैसे रखे हैं, पैरेलल में। हमें ये फाइंड करना है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कॉमन पोटेंशियल में ये फाइंड करना है कि इन्हें एक वायर से कनेक्ट करा, जब वायर से कनेक्ट कराएंगे तो जिधर चार्ज फुल होगा उधर से लोअर हाफ में करंट पास होने लगेगा, चार्ज फ्लो होगा किधर, लोअर वाले में। और कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों की वैल्यू इक्वल ना हो जाए, क्या हो जाए, दोनों की वैल्यू इक्वल ना हो जाए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्व रहेगा। इस पे चार्ज था हमारा Q1, इस पे चार्ज है Q2। जब ये ट्रांसफर होगा, यदि Q1 इज ग्रेटर देन Q2 है तो Q1 से इधर जाएगा। सपोज किया फर्स्ट पे चार्ज है 100 कूलम, सेकेंड पे चार्ज है 50 कूलम, ठीक है ना। यदि दोनों को ऐड कर देंगे तो चार्ज कितना हो जाएगा 150 कूलम, और जब से कनेक्ट करा देंगे तो दोनों चार्ज कितना, जब 75 कूलम चार्ज होना चाहिए। और जब चार्ज इक्वल हो जाएगा तो पोटेंशियल दोनों का कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा।
तो हमें कॉमन पोटेंशियल फाइंड करना है, कितना चार्ज हमारा ट्रांसफर हुआ है ये फाइंड करना है, और हमें इसमें कितनी एनर्जी नहीं लिखा था, कह रहा कि एनर्जी भी लॉस ऑफ एनर्जी, कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ एनर्जी, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कॉमन पोटेंशियल एंड एनर्जी, क्या एंड एनर्जी, एनर्जी टू चार्ज कैपेसिटर, कितना एनर्जी होगी, ठीक है ना। अब देखो एनर्जी की बात करेंगे, देखिए हम लोगों को पता है कि जब एनर्जी ट्रांसफर होती है फर्स्ट वायर से सेकेंड वायर, ठीक है ना, जैसे दो बैटरी है, एक बैटरी फुल चार्ज है, एक बैटरी चार्जलेस है, तो दोनों का जब कनेक्शन करा दिया जाएगा तो फुल चार्ज से एनर्जी किसको जाने लगेगी, सेकेंड को जानेगी, और कब तक जाएगी, जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए। अब ये सपोज करो दो बैटरी थी, सेम यही बैटरी सपोज कर लिया, फर्स्ट पे एनर्जी U1 है, सेकेंड पे एनर्जी U2 है, U1 सपोज करें 300 जूल है, ठीक है ना, U2 सपोज कर लिया 200 जूल है, ठीक है। और जब कनेक्ट किया, अब पहले जब बिफोर कनेक्टिंग टोटल एनर्जी कितनी होगी, बिफोर कनेक्टिंग 300 प्लस 200 कितना होगा 500, बोथ में कितनी होगी 500, और जब कनेक्ट कर देंगे यानी कि 300 प्लस 200 ऐड करते हैं तो 250 इधर होनी चाहिए, 250 इधर होनी चाहिए, आफ्टर कनेक्शन जो टोटल एनर्जी आएगी वो हम सपोज कर ली कि यू पोटेंशियल एनर्जी यूटी है, U-T, तो क्या ये 500 होगी, बोलिए ये 500 जूल होगी, नहीं होगी, ये 500 जूल से थोड़ी क्या होगी, लेस होगी, क्या होगी, लेस होगी, ऑलवेज यूटी यानी टोटल एनर्जी कम रहेगी जब कनेक्ट करेंगे, उससे क्या रहेगी, कम रहेगी, ऐसा क्यों होगा, जिस वायर के द्वारा ट्रांसफर होगा उस वायर, जब भी दो वायर कनेक्ट किए जाते हैं एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो एनर्जी ट्रांसफर होने में इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं तो उसमें हीट क्रिएट करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं, हीट क्रिएट करते हैं, और जब हीट क्रिएट करेंगे तो एनर्जी उसमें कुछ ना कुछ लॉस होगी, तो हमें लॉस ऑफ एनर्जी फाइंड करना, क्या फाइंड करना, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, और आप लिख लो लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल, लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, उत्तर छोड़ गया था, ये बात समझ में आई, ये अभी हमने आपको बताया है कि हमें क्या क्या फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है, ये हम लोगों का क्लियर हुआ। इसके बाद जो आपने लैंग्वेज लिखी, लैंग्वेज में ये लिख सकते हो कि लेट अस कंसीडर टू कैपेसिटर C1 C2, टू कैपेसिटर C1 C2, और फर्स्ट कैपेसिटर हैव चार्ज Q1 एंड सेकेंड कैपेसिटर हैव चार्ज Q2, फर्स्ट पोटेंशियल हैव पोटेंशियल B1, फर्स्ट चार्ज हैव पोटेंशियल B1, सेकेंड चार्ज हैव पोटेंशियल B2, ठीक है, इतना लिख सकते हो, फर्स्ट चार्ज है पोटेंशियल B1 एंड सेकेंड चार्ज है पोटेंशियल B2 एंड कॉमन पोटेंशियल आफ्टर कनेक्टिंग इट V, कितना V, ठीक है ना। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क करना है कॉमन पोटेंशियल फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, कॉमन पोटेंशियल, और जब कॉमन पोटेंशियल हम लोग फाइंड करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग पता है कि इसमें टोटल पोटेंशियल वी होगा, क्या होगा, वी होगा, या पहले हम लोग ये सपोज कर लें, पहले हम लोग सपोज लिखते हैं, लिखिएगा कॉमन पोटेंशियल के लिए, हाँ उसे नीचे लिखिएगा, लेट अस कंसीडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, देखो इसमें Q1 था, Q1 टू Q1 डैश कितना जा रहा है, Q1 टू Q1 डैश, जैसे 100 टू गया था और यहाँ 75 बचेगा तो Q2 कितना जाएगा, 75 कितना जाएगा, 25% क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। अब Q2 कितना जाएगा, Q2 डैश कितना जाएगा, Q2 डैश, ठीक है ना, जो Q1 डैश होगा आपको पता है कि C कल होता है क्या, Q/A होता है, तो Q कल क्या होगा, CB होगा कि नहीं होगा, तो Q1 कल क्या होगा, C1 B1, एंड Q2 कल क्या आएगा, C2 B2,
क्यूटिकल सी टू, क्यू वन इक्वल सी वन बी वन और क्यू टू बी टू, क्यू टू इक्वल टू सी सी टू। और क्यू वन डैश की वैल्यू क्या होगी बताइए, सी वन बी पोटेंशियल क्या जा रहा है इक्वल हो जा रहा है, और क्यू टू डैश की वैल्यू क्या होगी सी टू बी क्या होगी सी टू बी, ठीक है ना। हमें क्या पॉइंट करना है, कॉमन पोटेंशियल। फर्स्ट पॉइंट डालेंगे कॉमन पोटेंशियल, समझिएगा चार्ज टोटल चार्ज बिफोर द कनेक्टिंग कनेक्टिंग वायर इक्वल टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग वायर, क्या रहेगा आफ्टर कनेक्टिंग वायर, टोटल चार्ज बिफोर कनेक्टिंग वायर इक्वल टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग वायर। तो बिफोर कितना था क्यू वन प्लस क्यू टू, आफ्टर कितना था क्यू वन डैश प्लस क्यू टू डैश, सी वन बी वन प्लस सी टू बी टू इक्वल सी वन बी प्लस सी टू बी, सी वन बी वन प्लस सी टू बी टू इक्वल बी दिया कॉमन सी वन प्लस सी टू, तो बी इक्वल क्या आएगा सी वन बी वन प्लस सी टू बी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, दिस इज द कॉमन पोटेंशियल। क्या फाइंड हुआ कॉमन पोटेंशियल, समझ में आया, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है ना, नोट करिए। अब देखिएगा यहाँ पे पोटेंशियल वी कर सी वन बी वन वैल्यू कितनी क्यू वन और सी टू बी टू वैल्यू कितनी क्यू टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, ये हमारा आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ले सकते ना सी वन बी वन क्यू वन और सी टू बी टू क्या क्यू टू, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना, अभी चलेगा सेकेंड पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट है चार्ज आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन, क्या है क्यू वन डैश इक्वल क्या आया सी वन बी और क्यू टू डैश इक्वल क्या आया सी टू बी, तो अगर क्यू वन डैश अपॉन क्यू टू डैश फाइंड करें तो क्या आएगा सी वन बी अपॉन सी टू बी, बी से भी कैंसिल आउट, तो क्यू वन डैश अपॉन क्यू टू डैश इक्वल सी वन अपॉन सी टू। ये इसका मीन्स ये है जब रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा किसका चार्ज का तो वो रेशियो होगा किसके कैपेसिटर के, किसके होगा कैपेसिटर के। अब देखो जब ये कंपटीशन की बात आती है हम वो कंपटीशन में ध्यान रखेंगे, आपसे ये बोल दिया जाए कि टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जब चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ, चार्ज क्या हुआ रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ, फर्स्ट में जो चार्ज था 15 माइक्रो कूलम है, कितना है 15 माइक्रो कूलम, फर्स्ट में चार्ज कितना है क्यू वन डैश इजिकल कितना बचा 15 माइक्रो कूलम और कैपेसिटर सी वन इजिकल टू है 30 फैरड, ठीक है ना। अब सेकेंड में बोला आपसे क्यू टू डैश इजिकल, अगर चार्ज सेकेंड में भी रिडिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज हो जाए सेम चार्ज रहेगा 15 माइक्रो कूलम, रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो चार्ज कैसा होना चाहिए सेम होना चाहिए, तो सेकेंड में कैपेसिटर कितना होगा बोलो सेम होगा, कितना होगा 30 फैरड होगा, कितना होगा 30 होगा, देखिए यहां रखेंगे 15 अपॉन 15 30 अपॉन सी2 कैसे लोगे बनाएगा तो सी2 कर कितना जाएगा 30 आ जाएगा, कितना आएगा 30 फैरड। तो ये हम लोग ऐसे ही बिना सॉल्व के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं यदि आपको फार्मूला पता है, अगर फार्मूले में अननोन है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपसे डायरेक्ट बोल दिया जाए ऐसे कि एक कैपेसिटर है उस पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है कैपेसिटेंस उसमें है 30 पिको फैरड और सेकेंड में कैपेसिटर कितना होगा उसमें भी 30 पिको फैरड होगा, हमें चार्ज नहीं भी दिया गया तब भी हमने बता दिया, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों ने इसे
या डेरिवेट कर लिया, अब निकलेगा अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर। हाँ रुक गया है बेटा, ये नोट कर लिया था ना अभी ना। अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर, नेक्स्ट कह रहा है अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर, ठीक है ना। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ से देखा था, ध्यान दीजिए, दो चार्ज थे, ये एक पे Q1 चार्ज था, सेकेंड पे Q2 चार्ज था, कैपेसिटर C1 C2, पोटेंशियल V1 V2। जब से कनेक्ट कर दिया था तो चार्ज कितना आ गया था Q1 डैश। अब Q1 अगर ग्रेटर था, बात समझेगा, यदि Q1 इज ग्रेटर था Q2 से, तो Q1 डैश की वैल्यू क्या आएगी, चार्ज कितना ट्रांसफर होगा, तो हम लोग क्या करेंगे Q1 माइनस Q1 डैश, इतने तो चार्ज ट्रांसफर होगा। बोलो चार्ज डेल्टा Q इक्वल टू Q1 माइनस Q1 डैश, तो अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर को डेल्टा Q इक्वल क्या लिखेंगे Q1 माइनस Q1 डैश। मींस जैसे हमने बताया था Q1 चार्ज 100 कूलम है और Q2 50 कूलम है, और जब ट्रांसफर होगा Q1 से Q2 में तो दोनों में इक्वल हो जाएगा, यानी कि 75-75 हो जाएगा, तो Q1 से कितना ट्रांसफर हुआ 25 हुआ, कितना बचा बाद में 75, तो कितना ट्रांसफर हुआ 25, कैसे निकालेंगे, पहले देखा था 100 था, बाद मेजरमेंट किया 75, तो 100-75 लेस किया 25 आया, ऐसे मेजरमेंट किया था। सेम यहाँ पे देखेंगे कि डेल्टा Q इक्वल टू Q1 वैल्यू क्या है C1 B1, है ना, और Q2 वैल्यू क्या है Q1 डैश की C1 B, क्योंकि यहाँ पे टोटल पोटेंशियल क्या हो रहा था, भी हो रहा था। ये इक्वेशन सेकेंड है, और फर्स्ट इक्वेशन हम लोग फाइंड कर चुके हैं बीज इक्वल टू C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट था, इससे पहले हमने वो सॉल्व किया था फर्स्ट पॉइंट में, अभी अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर ये सेकेंड पॉइंट है, इक्वेशन सेकेंड ये फर्स्ट था, है ना। द वैल्यू ऑफ बी, द वैल्यू ऑफ बी पोटेंट सेकेंड इक्वेशन वाई फर्स्ट कितना है डेल्टा क्यू इक्वल, ध्यान देना C1 B1 माइनस C1 और यहाँ B1 वैल्यू पर रखो C1 B1 प्लस C2 B2 अपान C1 प्लस, ठीक है, इसमें इसका मल्टीप्लाई करा देंगे क्या आएगा डेल्टा क्यू जिकल C1 B1, पूरे में एलसीएम भी ले लो, टोटल में एलसीएम कितना आएगा C1 प्लस, आएगा नहीं आएगा कितना आएगा C1 प्लस C2, ऊपर से हाँ देखिए ध्यान दीजिएगा C1 प्लस C2। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे C1 B1 के साथ में आएगा C1 प्लस C2, माइनस का C1, अब C1 B1 प्लस C2 डेल्टा क्यू का क्या आएगा C1 स्क्वायर B1 प्लस C1 C2 B1, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे C1 स्क्वायर B1 माइनस का C1 C2 B2 अपान C1 प्लस C2, क्योंकि इससे ये कैंसिल आ, ठीक है। अब डेल्टा क्यू कितना बचा, डेल्टा क्यू की बात करेंगे तो C1 C2 लिया कामन क्या आएगा B1 माइनस B2 अपान C1 प्लस C2, ठीक है ना। ये हमारा ट्रांसफर ऑफ चार्ज बचा, ये कितना चार्ज हमारा ट्रांसफर हुआ, ठीक है ना।
कि चार्ज आया ट्रांसफर। इसके बाद में है लास्ट एनर्जी ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है।